इस समय गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है। आए दिन किसान तुलाई के लिए लेट लतीफी को लेकर परेशान हो रहे हैं, वे हंगामा भी करते हैं। उज्जैन में गेहूं को वेयरहाउस पहुंचाने में ट्रांसपोर्टर्स लेट लतीफी कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने उनसे 10 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही किसान लंबे समय से परेशान चल रहे हैं कि उनकी गेहूं की तुलाई में देरी हो रही है। उज्जैन में सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों से गेहूं की फसल की खरीदी की जा रही है। ऐसे में खरीदे हुए गेहूं को खरीदी केंद्र से वेयरहाउस तक पहुंचाने हेतु शासन ने ट्रांसपोर्टर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की थी, जहां ट्रांसपोर्टर की लापरवाही के कारण गेहूं को निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सका और केंद्रों पर खरीदी में विघ्न पहुंचा। इसी के चलते जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने उक्त ट्रांसपोर्टर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है, ताकि किसानों का गेहूं समय पर खरीदा जा सके और किसानों में असंतोष न उपजे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पिछले एक दो दिनों से उज्जैन के कई खरीदी केंद्रों से खरीदे गए गेहूं के वेयरहाउस तक नहीं पहुंचने के चलते दिक्कतें आई हैं। सोसाइटियों में खरीदी पर प्रभाव पड़ा था, जिससे किसान भी आक्रोशित हो गए थे। कल रात भी किसानों ने लालपुर स्थित खरीदी केंद्र पर हंगामा किया था, तो वहीं दोपहर में भी सोसाइटी में खरीदी बंद होने के चलते किसान नाराज हो गए थे, सड़क पर जाम लगा दिया था। जिला कलेक्टर ने मामले में जब पड़ताल की तो खरीदे गए गेहूं को इधर से उधर करने के लिए ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी थी, लेकिन ट्रांसफर की लापरवाही के चलते गेहूं अपने नियत स्थान तक नहीं पहुंचा, खरीदी में बाधा पड़ी। इसी के चलते जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने ट्रांसपोर्टर पर जुर्माना लगाया है। यह राशि उक्त ट्रांसपोर्टर के किए गए कार्य की राशि में से ही काटी जाएगी। देखिए, विगत कई दिनों से जो हमारा गेहूं खरीदी के लिए लगाया हुआ ट्रांसपोर्टर है, उसके द्वारा लापरवाही की बात सामने आ रही थी। पूर्व में कई बार चेतावनी भी दी गई थी और परिवहन ना होने की वजह से केंद्र पर माल ज़्यादा इकट्ठा होता है तो खरीदी में समस्या आती है और अल्टीमेटली किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कल एक जो रेक लगी थी उसके परिवहन में भी जो है लापरवाही सामने आई है, तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए और जो खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही होगी तो उसको ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये फैसला लेते हुए हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध 10 लाख रुपए की जुर्माना और पेनल्टी लगाई है। तो जो भी उसका बिल होगा उसे 10 लाख रुपए काटने की कार्रवाई करी जाएगी और भविष्य के लिए हिदायत भी दी गई है कि लगातार परिवहन होता रहे, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना।